अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक फ्लफ़ी डोनट्स की रेसिपी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी, सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है, उसमें एक अंडा जो है वो हम डाल लेंगे। उसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे, देन उसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे, देन हाफ़ टी स्पून उसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक न्यू बाउल में हम शुगर ऐड करेंगे, उसके बाद ईस्ट ऐड करेंगे और देन उसके अंदर वार्म वाटर ऐड करेंगे। उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं तो उसके अंदर हमने 3 कप मैदा ऐड करना है। उसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद सॉल्ट और मैदे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है बैटर उसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे और उस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व हो रहा है। ये मैं आटा गूंद चुकी हूँ इसका। अब इसके अंदर हमने बटर ऐड करना है। आप होममेड बटर भी ऐड कर सकते हैं और आप मार्केट में अवेलेबल बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से जो हमने आटा गूंदा है उसके ऊपर लगा लेना है। एक बाउल लेना है, उसको हमने बटर से ग्रीस कर लेना है। पूरे बाउल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें बटर से, ताकि उसके अंदर जब हम आटा डालें तो वो उसके साथ चिपके ना। अब जो हमारा गूंदा हुआ आटा है मैदे का, हम उसके अंदर उसको रख देंगे और उसके ऊपर बटर को जो है वो ग्रीस कर देंगे, ताकि जब भी हम उसका यूज़ करें तो वो हाथ में ना चिपके, और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर आटा अप्लाई किया है, आप मैदा भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उसको पूरा जो है वो बेल लेना है, और आप किसी भी शेप की मदद के ज़रिए या आप जो भी शेप देना चाहें डोनट्स को, वैसे तो स्पेशली जो है वो डोनट्स गोल ही होते हैं, तो आप किसी भी चीज़ से उसको शेप दे लें। यहाँ पे मैंने एक ग्लास का यूज़ किया है क्योंकि ये ग्लास अच्छी शेप देता है। तो मैं इन सबको शेप दे चुकी हूँ। अब रिमेनिंग आटा जो है वो हम रिमूव कर देंगे। अब हम एक बॉटल के कैप के हेल्प के थ्रू हम इसके मिडल में जो है वो एक सर्कल क्रिएट करेंगे, ताकि वो डोनट की शेप बिल्कुल कम्प्लीटली आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कम्प्लीटली डोनट की शेप आ चुकी है। अब हम जो भी रिमेनिंग हमने डोनट्स प्रिपेयर किए हैं इनको भी वाटर बॉटल के कैप से उसको शेप दे लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे और उस डोनट्स को उसके अंदर जो है वो ऑयल के अंदर डिप कर देंगे। तो जितने भी आपने डोनट प्रिपेयर किए हैं उसको ऑयल के अंदर डिप कर दें, और साइड से जो है वो आप ऑयल उठाएं और डोनट के ऊपर लगाएं। अब हम बैक साइड को फ़्लिप कर देंगे, ताकि जो है वो दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाएं। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है। अगर आप डार्क फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये डार्क ब्राउन कलर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे डोनट्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब हम एक सॉलिड चॉकलेट लेंगे, उसको पीसेस में कट कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट पीसेस में कट हो चुका है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उस बाउल को जो है वो हमने वार्म वाटर के अंदर उसको चॉकलेट को मेल्ट करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। उसको एक छोटी सी बाउल में, प्यारे से बाउल में उसको कन्वर्ट करेंगे, देन डोनट उसके अंदर फुली डिप करेंगे, ताकि उसकी ऊपर आउटर लेयर जो है वो फुल चॉकलेट से जो है कवर हो जाए, और उसके ऊपर हम टॉपिंग कर देंगे स्प्रिंकल्स की फॉर द डेकोरेशन। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह मेरे डोनट्स रेडी हो चुके हैं।
आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।